वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जैसा कि आप सभी इस समय क्लास 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो अकाउंट मास्टर जी आपके लिए ये करेंगे कि हम रेगुलर इंटरवल पर अकाउंट्स का जो टर्म 2 का पोर्शन है, सिलेबस है, उसके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर इस चैनल में अपलोड करेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर CBSE के पैटर्न को और नॉर्म्स को फॉलो करें। जैसा कि CBSE आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपसे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, वैसे यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल चैप्टर का आपका टेस्ट है, तो हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं और आपको 1 घंटे का समय दिया है। मैक्सिमम मार्क्स हैं 20 क्वेश्चन। यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए ये पूरी कोशिश की गई है कि चैप्टर के जो सारे मेजर टॉपिक्स हैं वो इस पेपर में पूछ लिए जाएं, पर हमको ये भी ध्यान रखना था कि मार्क्स एलोकेशन भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होने चाहिए आपके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी होने चाहिए, एंड देन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपके होने चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक रहेगा, आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, देन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश करें एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर 3 to 4 डेज में मिल जाएगा और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जानबूझकर मैं आंसर आज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है वो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में नहीं देते हैं, दैट इज़ वो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो मैं आंसर अपलोड कराऊँगा उससे मैच कर लेंगे। तो आपको वैसा नहीं करना है, जैसे एग्ज़ाम में आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ही आता है, रिजल्ट बाद में आता है, तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, सॉल्व करें और 4 से 5 दिन बाद जब भी आंसर अपलोड होगा उससे आप कंपेयर कर लीजिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद अगर आप हमसे कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। जैसे ये NPO का क्वेश्चन पेपर है, लेटर ऑन हम पेपर एक और बनाएंगे आपका रिटायरमेंट एंड डेथ का, देन डिसोल्यूशन का अलग से बनाएंगे, CFS का अलग से बनाएंगे, डिबेंचर्स का बनाएंगे एंड कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज का भी बनाएंगे। इसके अलावा अकाउंट्स मास्टर जी में आप सब जानते हैं कि आपके हर एक कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है अकाउंटेंसी में टर्म 2 की प्रिपरेशन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट इस पेपर के लिए।